राजभवन में सोमवार को कुल 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 10 अन्य ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, जिनमें 6 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट के 28 मंत्रियों ने सोमवार को मंत्री पद की शपथ ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाने वाले विधायकों को भी कैबिनेट में जगह दी गई। नए मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 करीबी एदल सिंह कंसाना, गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर और तुलसीराम सिलावट शामिल हैं। ये कांग्रेस के उन 22 विधायकों में से थे जो मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। वहीं सोमवार को यहां राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नए शामिल लोगों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुल 18 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 10 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली, जिनमें 6 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल हैं। नई कैबिनेट में 17 नए चेहरे शामिल हैं। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा कि 28 मंत्रियों में से 5 महिलाएं हैं, 12 ओबीसी समुदाय से हैं, 5 आदिवासी हैं और 4 अन्य अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग से हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 4 वफादारों को भी नई मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। राज्य में जिन विधायकों को कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, उनमें विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, करण सिंह वर्मा, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, संपतिया उइके, तुलसीराम सिलावट, एदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, निर्मला भुरिया, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राकेश शुक्ला, चैतन्य कश्यप और इंदर सिंह परमार शामिल हैं। वहीं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेंटवाल, लाखन पटेल और नारायण सिंह पवार शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह शामिल हैं। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में 2 कैबिनेट रैंक संपतिया उइके और निर्मला भूरिया, 3 राज्य मंत्री कृष्णा गौर, प्रतिमा बागरी और राधा सिंह समेत कुल 5 महिलाओं को शामिल किया गया है।